कि भक्ति के कुछ नियम बताए हैं। भक्ति के 64 अंग हैं। सर्वप्रथम प्रथम भगति संतन कर संग। भक्ति का प्रथम नियम तो यही है कि हम अधिक से अधिक सत्संग प्राप्त करें। संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भयो ना कोए। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और ये संतों से भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिल ही जो हो ही संत अनुकूला। तो भक्ति के नियम, तो पहला नियम है सत्संग। 64 भक्ति के अंग हैं, उसमें यदि 64 पूरे नहीं कर सकते, कम से कम 5 तो पूरे भक्ति के अंग कर लो। कौन कौन से? एक सत्संग, संतों का संग। एक भागवत जी का प्रतिदिन पाठ करें। राम भक्त है तो रामायण का प्रतिदिन पाठ करें। दुर्गा जी के भक्त है तो देवी भागवत पुराण जी, दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन पाठ करें। ये भक्ति के नियम आपने पूछे। तो सत्संग, अपने इष्ट का मूल ग्रंथ का प्रतिदिन पाठ, और अपने इष्ट की पूजा प्रतिदिन करें। घर में छोटा सा मंदिर स्थापना कर लें, प्रतिदिन पूजा करें, और आसपास मंदिर है तो प्रतिदिन जाना चाहिए स्नान उपरांत। ये और चौथा नियम है नाम जाप और नाम संकीर्तन। अपने इष्ट का नाम जाप करते रहो। ये है चौथा नियम नाम जाप। और पांचवा है अपने इष्ट के धाम में, तीर्थ में जब भी अवसर मिले अवश्य जाना चाहिए। कृष्ण भक्त है तो वृंदावन अवश्य जाना चाहिए। धाम से जुड़े रहो, वहां से पावर मिलती है। मातेश्वरी के भक्त हैं तो कहीं ना कहीं जो सिद्ध पीठे हैं मातेश्वरी की, भगवती दुर्गा जी की, तो वहां अवश्य जाना चाहिए अपने इष्ट के धाम में। राम जी के भक्त हैं, अयोध्या चित्रकूट आदि तीर्थ यात्रा अवश्य करनी चाहिए, उससे भक्ति पुष्ट होती है। तो ये 5 मुख्य, वैसे तो 64 अंग हैं भक्ति के, 64 पूरे न कर सको तो 5 तो करने चाहिए। तो पूजा पाठ और अपने इष्ट का ध्यान, पूजा पाठ ध्यान जब ये चारों मंदिर में बैठ के करने चाहिए। भगवान की जब पूजा करो वहीं पाठ करो, वहीं जप करो, और वहीं अपना ध्यान करो। रूप का ध्यान और भगवान की लीलाओं का ध्यान, पूजा पाठ जप और ध्यान ये मंदिर में बैठ के करना चाहिए। और अध्ययन आप कहीं भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आया है,